हेलो एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ कंपटीशन कम्युनिटी। मैं हूं निकहत परवीन खान और पॉलिटी वीकली करंट अफेयर्स के आज के सेशन में हम 15 से 21 अप्रैल के बीच का जो भी करंट रहा, जो कि पॉलिटी के सेक्शन से रिलेटेड है, उसको डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, लेकिन हम डायनेमिक पार्ट के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट स्टैटिक पार्ट है उसको भी कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इट्स गोना बी अ शॉर्ट वीडियो एज सच, बट अगेन इम्पॉर्टेंट। ठीक है, बदले हुए पैटर्न के हिसाब से कहीं ना कहीं आपको मदद ज़रूर करेगा। ठीक है, तो बिफोर मूविंग टू द हाइलाइट्स ऑफ टुडेज वीडियो कि क्या क्या हम न्यूज़ कवर करने वाले हैं, एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि मेंस का एग्ज़ाम आप में से जो कोई भी दे रहे हैं या जो मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप जानते हैं कि ऐसे राइटिंग या निबंध लेखन उसका कितना इम्पोर्टेंट पहलू है। एक पूरा का पूरा पेपर जो है वो ऐसे से रिलेटेड है। तो कंपटीशन कम्युनिटी ने एक नई बुक लॉन्च की है जो कि पूरा निबंध लेखन पर आधारित है। ठीक, और इस पे छत्तीसगढ़ के मुद्दे, राष्ट्रीय मुद्दे और अंतर्राष्ट्रीय जितने भी मुद्दे हैं जिससे आपके नेशनल और छत्तीसगढ़ लेवल के एसेज आ सकते हैं, वो सभी कवर किए गए। मतलब रिसेंट में श्रीलंका क्राइसिस से लेकर छत्तीसगढ़ के जितने भी कंटेम्प्रेरी इशूज़ जो करंट से रिलेटेड है, आनंद सर के इनपुट्स के साथ, सारे करंट के इनपुट्स के साथ ये बुक तैयार की गई है। आपके सभी नज़दीकी बुक स्टोर्स में अवेलेबल हैं। तो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CGPSC मेंस ऐसे पेपर, तो गो फेच दिस बुक्स फ्रॉम योर नियरेस्ट स्टोर्स। ठीक है, तो अब हम मूव ऑन करते हैं हमारी न्यूज़ पर। सबसे पहले हाइलाइट्स लिखते हैं कि कौन कौन से हम न्यूज़ कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले वी विल सी अबाउट दी कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। ठीक है, CAC या कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव नाम की एक वर्चुअल मीटिंग हुई है, उसके बारे में एक न्यूज़ है, उसका स्टैटिक डायनेमिक पार्ट हम देखेंगे। दूसरा, इंडिया और फिनलैंड के बीच के बायलेटरल रिलेशन से रिलेटेड कुछ अपडेट्स आई हैं। ठीक है, एक मीटिंग हुई है जिसमें कुछ MOUs साइन हुए, कुछ बायलेटरल अग्रीमेंट्स हुए इंडिया और फिनलैंड के। इंटरनेशनल जो रिलेशंस है उस पर नज़र डालेंगे। तीसरा है, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच चौथा 2+2 संवाद। तो हम जानते ही हैं कि सन 2018 से इंडिया और USA के बीच में 2+2 डायलॉग स्टार्ट हुए, जिसके बाद से बहुत सारे MOUs और ट्रीटीज़ इंडिया और USA के बीच में साइन की गई हैं। तो एक और 2+2 डायलॉग इंडिया और US के बीच एक्सचेंज किया गया हाल ही में, जो कि इम्पॉर्टेंट है। और लास्ट न्यूज़ जो हम कवर करेंगे इंटरनेशनल एक अपॉइंटमेंट का, ईस्ट टिमोर। ठीक है, पूर्वी तिमोर जो है उन्हें मिले हैं वहाँ के नए राष्ट्रपति, जिनका नाम है रेमोस होटा। तो इनके अपॉइंटमेंट के बारे में और समथिंग अबाउट ईस्ट टिमोर आज हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के बारे में। तो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव CSC, ठीक, न्यूज़ ये है कि इसकी एक वर्चुअल मीटिंग, मतलब कि आभासी बैठक हाल ही में ऑर्गेनाइज करवाई गई। ठीक, जिसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया। एक्चुअली इसे आयोजित करवाया ही था नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इन्हें राष्ट्रीय जांच एजेंसी जिसे हम शॉर्ट में NIA बोलते हैं। ठीक है, तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने ये पूरी जो कॉन्क्लेव है, जो मीटिंग है, ये ऑर्गेनाइज करवाई हाल ही में, जिस वजह से ये न्यूज़ में है। अब अगर हम CAC की बात करें कि ये है क्या, तो थोड़ा सा इसका स्टैटिक पार्ट देखिए। मीटिंग हुई वो तो अच्छी बात है, उसकी जो मुख्य बातें हैं वो भी अभी हम देख लेंगे कि क्या क्या इस मीटिंग में आया सामने। पहले आप ये तो जान लें कि ये कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है क्या। मैं आपको हमेशा अपने करंट अफेयर्स के सेशंस के ज़रिए सभी इम्पॉर्टेंट जितने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, जितने आपके जियोपॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हैं, जितने अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, किसी भी वजह से बनाए गए हों और वो चर्चा में हो, ख़ासतौर पर अगर उसमें इंडिया का एक कोई ना कोई रोल हो या इंडिया उसका मेंबर हो, तो हम उसे कवर करते जाते हैं अगर उसकी कोई मीटिंग हुई हो या वो कोई चर्चा में रहा हो। ठीक है, तो ऐसा ही CSC नाम का एक आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेंबर इंडिया भी है। तो पहले जाने की ये है क्या, जैसे कि आप पढ़ सकते हैं तीसरी लाइन में, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव जो है इसका गठन सन 2011 में हुआ था, 2011 में हुआ था, और इसके तीन मेंबर्स इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स, और इसको जो बनाया गया था उसका सबसे इम्पोर्टेंट कारण था समुद्री सुरक्षा, मैरीटाइम सिक्योरिटी। आप तो जो तीनों देश हैं इनके नाम पढ़कर समझ ही पा रहे होंगे कि इंडिया के साउथ में श्रीलंका है इस तरफ और एक तरफ मालदीव्स है, मतलब इंडियन ओशन वाला जो पूरा सी रूट है इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स के एरिया को कवर करता हुआ या उसके आसपास के एरिया को कवर करता हुआ जो पूरी सी है इंडियन ओशन,
वहां से रिलेटेड ये ग्रुप बना है। तो स्पेसिफिकली वो जो पूरा एरिया है समुद्र का, वहां पे मैरीटाइम सिक्योरिटी यानी कि समुद्री सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए वहां पे रेडिकलिज्म या आतंकवाद जैसे या इलीगल ट्रेड वगैरह जैसे जो मुद्दे उनसे निपटने के लिए ये तीनों ही देशों ने ये ग्रुप बनाया था। क्योंकि आप जानते ही हैं कि हमारा जो बॉर्डर होती है इंटरनेशनल बॉर्डर, वो सिर्फ और सिर्फ लैंड तक नहीं होती है, कुछ मील तक के, हर देश के कुछ मील तक के सी वाटर जो उसको घेरा रहता है वहां तक की मेरी बॉर्डर होती है। तो ऐसा होता है कि भारत, श्रीलंका, मालदीव्स कुछ अपनी वाटर बाउंड्री को शेयर भी करता है। इस वजह से इस पूरे एरिया में हो रही जितनी गतिविधियां होती हैं उसके लिए ये तीनों रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं और ये तीनों को ही मैनेज करना होता है, ठीक है। तो इसलिए हमने इस पूरे एरिया के वाटर को मैनेज करने के लिए, यहाँ हो रही एक्टिविटीज़ को मैनेज करने के लिए ये कॉन्क्लेव बनाया, जिसे हम कहते हैं कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। तो बेसिकली एक मैरीटाइम प्रोटेक्शन कॉन्क्लेव है, यानी कि समुद्री सुरक्षा, जैसे कि आप देख सकते हैं इट इज़ अ ट्राईपार्टाइट मैरीटाइम प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, त्रिपक्षीय। बाद में जो अभी अभी 9-10 मार्च को आपकी इसकी फिफ्थ मीटिंग हुई थी, उस फिफ्थ मीटिंग में मॉरिशस को भी एक मेंबर के तौर पर इसमें शामिल कर लिया गया था। तो अब इसके 4 मेंबर्स हैं, इनिशियल फाउंडिंग मेंबर जो 2011 में थे इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स, और अभी फिफ्थ मीटिंग में जो मार्च में हुई थी उसमें हो गए थे 4 मेंबर मॉरिशस। और याद रखें तब से यानी कि फिफ्थ मीटिंग से ऑब्जर्वर के तौर पर इसमें बांग्लादेश और सेशील्स आइलैंड है आपके इंडियन ओशन में, तो बांग्लादेश और सेशील्स भी ऑब्जर्वर्स के रूप में ये मीटिंग्स को अटेंड कर रहे हैं। अब ये मेंबर्स नहीं है बट दे आर अटेंडिंग द मीटिंग एज ऑब्जर्वर्स। तो व्हाट इज़ द बॉटम लाइन, 2011 में बनी, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स ने बनाया, मॉरिशस इसमें इंक्लूड हो चुका है, तो अब कुल मिलाकर 4 देश हैं ऑब्जर्वर के रूप में, बांग्लादेश और सेशील्स भी हैं, ठीक है। तो हाल ही में इसकी एक आभासी बैठक यानी कि वर्चुअल मीटिंग हुई, मतलब इसका कोई डेस्टिनेशन आपको याद नहीं करना, ठीक है। और इसका मेन उद्देश्य है जो पूरा सी एरिया कवर होता है, मालदीव, मॉरिशस, सेशील्स, इंडिया और श्रीलंका के एरिया में जो पूरे इंडियन ओशन का एरिया कवर होता है, वहाँ पे हर तरह के चैलेंजेस से निपटना, वहाँ की वाटर बॉर्डर्स को सही तरीके से मैनेज करना, जिसमें ख़ास तौर पर मैरीटाइम सिक्योरिटी है। आतंकवाद एक बहुत बड़ा चुनौती वहाँ पर उभर के आया है, रेडिकलिज्म बहुत बड़ी चुनौती उभर के आई है, उसके अलावा इलीगल ट्रेड जो सी रूट के जरिए होता है वो एक बड़ी चुनौती उभर कर आई है। इन चीज़ों से निपटने के लिए ये लोग मीटिंग्स में चर्चाएँ करते हैं, ठीक है, समझ में आए हो आपको, ठीक। तो जाहिर सी बात है मैंने एक बार बार जो वर्ड बोला आतंकवाद, तो इस एरिया में सुरक्षा में अगर सबसे बड़ी कोई चैलेंजेस थे तो वो टेररिज्म था। तो इस मीटिंग में ख़ासतौर पर जो भी वर्चुअली आयोजित की गई NIA द्वारा, उसमें आतंकवाद से, इस एरिया में आतंकवाद से निपटने के लिए ही ज़्यादातर अग्रीमेंट साइन हुए, ज़्यादातर चर्चाएँ हुई, ठीक है। उसके अलावा याद रखिए कुछ इम्पॉर्टेंट और जो असेट्स थे, या मैं कहूँ इम्पॉर्टेंट और जो फीचर्स इस बार की बैठक के थे, वो थे सुरक्षा और समुद्री सुरक्षा, यानी कि ना सिर्फ समुद्री सुरक्षा बल्कि ऑन एंड ऑल ये कि 4 देश इसमें शामिल हैं, तो एक दूसरे की सिक्योरिटी कंसर्न के ऊपर भी इन लोगों ने चर्चाएं, क्योंकि आप जानते हैं कि श्रीलंका के जो आंतरिक हालात हैं वो काफ़ी ज़्यादा बुरे हैं, तो उस पर भी चर्चाएँ हुई। दूसरा आतंकवाद और कट्टरवाद, जैसे कि मैंने कहा कि टेररिज्म और रेडिकलिज्म पर चर्चाएँ हुई। तीसरा अवैध व्यापार, इलीगल ट्रेड, और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो उस पूरे एरिया में हो रहा है उस पर चर्चा हुई। एक बहुत बड़े इशू था साइबर सिक्योरिटी, उस एरिया में हमको एक नए तरह की ये जो चैलेंज था वो फेस करना पड़ रहा था, हमारी डेटा लीक्स हो रहे थे, ठीक है, डेटा मैनेजमेंट प्रॉपरली नहीं हो रहा था, हैकिंग बहुत हो रही थी। तो इस पूरे सी रूट का जहाँ पे ये तो 2-4 देश मौजूद हैं वहाँ पे साइबर सिक्योरिटी को कैसे मजबूत किया जा सके, इस पर हमने कुछ बातें करी। और उसके अलावा ह्यूमन एड्स और इमरजेंसी रिलीफ, ठीक है, तो ये समुद्रों में जो भी मानवीय सहायता और इमरजेंसी रिलीफ प्रोवाइड की जा सकती हैं, कौन कितनी किस तरह से इमरजेंसी रिलीफ प्रोवाइड करेगा, उस पर भी चर्चा हुई, ठीक है। तो ये तो बातें हैं कि भाई अगर आपसे एक डायनेमिक वे में पूछ दे कि CAC की जो हाल ही मीटिंग हुई है वर्चुअल मीटिंग, उसकी कुछ मुख्य बातें क्या थी, तो आपके दिमाग में आना चाहिए टेररिज्म, रेडिकलिज्म, ठीक है, मैरीटाइम सिक्योरिटी, उसके अलावा साइबर सिक्योरिटी, उसके अलावा इलीगल ट्रेड, इंटरनेशनल क्राइम, ये सारी बातों पर चर्चा हुई, आपके दिमाग में आना चाहिए CAC क्या है, तो कब बना था, कितने मेंबर्स थे, ऑब्जर्वर कौन थे, इतनी बातें आपको याद रखना, दैट इज़ इट, ठीक है, समझ में आया। चलिए मूव ऑन करते हैं हम दूसरे न्यूज़ पर।
इंडो फिनलैंड संबंध, एक्चुअली ये इंडो फिनलैंड रिलेशंस जो हैं ये चर्चा में क्यों हैं? तो एक्चुअली फिनलैंड के एक आर्थिक मामलों के मंत्री हैं, मतलब द मिनिस्टर फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स, जिनका नाम है मीका लिंटिल। इन्होंने हाल ही में इंडियन एम्बेसी जो है वहाँ पे कुछ बयान जारी किए, और उसके बाद इंडिया के जो आर्थिक मामलों के विज्ञान एवं प्रौद्योगिक मामले के मंत्री उनसे मुलाकात भी की, और उसके बाद से इंडिया और फिनलैंड के बीच में कुछ बायलेटरल अग्रीमेंट्स हुए, जिस वजह से इंडो फिनलैंड जो रिलेशंस हैं वो चर्चा में है। ठीक है, दरअसल यूरोप में जो भी यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध चल रहा है उस पर कुछ अपना बयान देने के लिए मीका लिंटिल ने इंडिया में एम्बेसी में अपना एक बयान जारी किया। उसके बाद इनकी मुलाकात इंडियन मिनिस्टर से हुई, और इस मीटिंग के फलस्वरूप कुछ साझा समझौते वगैरह दोनों देशों के बीच में हुए, इस वजह से चर्चा में है। तो इस वजह से फिनलैंड और इंडो फिनलैंड रिलेशंस हाईलाइट में आ जाते हैं। तो अगर हम फिनलैंड की बात करें तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, आई डो नॉट नो कि ये मैप क्लियर है कि नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे लाइटनिंग इशू होता है, खासतौर पे टेलीकास्ट के टाइम ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसा है कि फिनलैंड आप सभी जानते ही होंगे, अगर मैप में क्लियर भी नहीं होगा, कि यूरोप का एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है, स्कैंडिनेवियन, ठीक है, स्कैंडिनेवियन कंट्री बोलते हैं इसलिए क्योंकि स्कैंडिनेविया वाला एक पूरा हिल का रेंज है वहाँ पे। तो यूरोप के नॉर्थ में आप पूरा एक ऐसा विंग टाइप का देखते होंगे जिसको हम कहते हैं स्कैंडिनेवियाई देश, जिसमें तीन देश आते हैं, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। ठीक है, तो नॉर्वे और स्वीडन के साथ ये फिनलैंड तीसरी कंट्री है। ये तीनों कंट्रीज़ स्कैंडिनेवियाई कंट्रीज़ कहलाते हैं, और आप जानते ही हैं कि वैश्विक जितनी रिपोर्ट्स होती है, जैसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, ठीक है, ह्यूमन राइट इंडेक्स हो गया, या दूसरी ऐसी सारी इंडाइसेस जिसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ को जांचा जाता है, उनमें ये तीनों देश हमेशा टॉप 10 पे रहते हैं। ठीक है, तो ये तीनों देश अपने आप में ह्यूमन लाइफस्टाइल के लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा हमेशा चर्चा में रहते हैं। बहरहाल, तो फिनलैंड जो है वो उन तीनों में से एक देश है, स्कैंडिनेवियाई देश है, जिसकी जो राजधानी है वो है हेलसिंकी। इसकी जो करेंसी है वो यूरो ही है, इन्होंने यूरो अपनाया है, और इसकी जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक फीमेल है, इस वजह से भी चर्चा में रहता है, जिसका नाम है सना मरीन। ठीक है, हेलसिंकी इज़ द कैपिटल, यूरो इज़ द करेंसी, और सना मरीन जो है वहाँ की प्रधानमंत्री है। ठीक है, तो ये है फिनलैंड, आपने रिकॉल कर लिया होगा, इसकी बेसिक चीज़ें हैं, जीके के तौर पर आपको ध्यान में रखनी है। अब बात आती है कि अब जो मीटिंग हुई उससे रिलेटेड बातें हम देख लेते हैं कि किस फ्रंट पर ये मीटिंग हुई। एक्चुअली इंडिया फिनलैंड रिलेशंस, बायलेटरल रिलेशंस, काफ़ी वक्त से हम मतलब दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में काफ़ी मधुर रिलेशंस रहे हैं। दो तीन ऐसे मेन फ्रंट है जिसपे हमारे बायलेटरल रिलेशंस टिके हुए हैं। एक है रिसर्च, दूसरा है इनोवेशन, ठीक है, और तीसरा है इन्वेस्टमेंट। मतलब इंडिया फिनलैंड रिलेशंस का जो आधार स्तंभ है वो ये तीन चीजें हैं, एक तो अनुसंधान, दूसरा नवाचार, और तीसरा निवेश, रिसर्च, इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट। ये तीन चीजों के आधार पर ही हमारे ज्यादातर अग्रीमेंट्स वगैरह होते हैं। ठीक, तो ऐसे ही आप देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में ही कुछ बातें इस बार की बैठक में भी सामने आई। एक बात तो ये थी, अगर आप एज सच जनरल में बोलें तो जो मीका लिंटिल है उन्होंने बोला कि हम नाटो में शामिल होना चाहते हैं, फिनलैंड जो है वो नाटो में शामिल होना चाहता है, और उन्होंने ये भी कहा कि वी वुड बी ग्लैड इफ़ इंडिया एंटर्स इन टू द नेगोशिएशन विथ यूक्रेन एंड रूस ओवर द मैटर ऑफ लाइक नाटो एंड देयर म्यूचुअल एनिमिटी। मतलब एक तरह का फिनलैंड के जो इकोनॉमिक मंत्री थे उनका आग्रह था इंडिया से कि आप रूस और यूक्रेन के बीच में नेगोशिएशन इन्हें मध्यस्थता करें। ठीक, लेकिन वो खुद ये कह रहे थे कि व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो मध्यस्थता या किसी भी तरह के बातचीत या नेगोशिएशन के पक्ष में फिलहाल नहीं है, लेकिन फिनलैंड का ये पक्ष है कि अगर इंडिया इसकी कोशिश करता है तो फिनलैंड काफ़ी इस चीज़ से उसका एहसान मंद रहेगा, क्योंकि फिनलैंड खुद भी नाटो में शामिल होना चाहता है। ठीक है, तो ये तो एक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड उनका बयान था, ये बातें इस मीटिंग के बाद भी सामने आई। लेकिन जो हम खासतौर पर रिसर्च से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो इंडिया फिनलैंड के बीच में अभी इस मीटिंग के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो समझौते हुए वो क्वांटम कंप्यूटिंग से रिलेटेड हुए।
क्वांटम कंप्यूटिंग एक नई तरीके कंप्यूटिंग है जिसमें कॉम्प्लेक्स कंप्यूटिंग सिस्टम को क्वांटम फिजिक्स के मैकेनिज्म से सॉल्व किया जाता है। हम सभी जानते हैं कि फिजिक्स का एक पार्ट है क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम मैकेनिज्म एक सेपरेट ही आपका फोटॉन से रिलेटेड एक क्वांटम या स्मॉल एनर्जी पैकेट्स से रिलेटेड हमें एक फिजिक्स का पार्ट पढ़ते हैं जिसको हम क्वांटम फिजिक्स बोलते हैं। उस पर आधारित नए कंप्यूटिंग सिस्टम पूरी दुनिया में डिज़ाइन किए जा रहे हैं, जो खासतौर पर जो टेक्नोलॉजी में यूरोप बहुत अग्रणी है। फिनलैंड के पास ये टेक्नोलॉजी है, फिनलैंड इन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी कर रहा है, और इंडिया में ये टेक्नोलॉजी नहीं है और हम चाहते हैं कि क्वांटम कंप्यूटिंग इंडिया में भी स्टार्ट हो। तो इसके लिए क्या हुआ है, ये कंप्यूटिंग जो है क्वांटम कंप्यूटिंग, इसके लिए इंडिया ने 3 सेंटर्स को आइडेंटिफाई किया। एक है IIT मद्रास, एक है IISER पुणे, और तीसरा है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जिसे हम नॉर्मली कहते हैं CDEC पुणे। इन 3 जगहों पर वर्चुअल नेटवर्क सेंटर बनाए जाएंगे जो कि क्वांटम कंप्यूटिंग से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वांटम कंप्यूटिंग को इंडिया में डेवलप करने से रिलेटेड अभी कई समझौता या अभी की मीटिंग हुई थी। ठीक है, समझ रहे हैं, जैसे कि सुपर कंप्यूटर होते हैं ऐसे स्टेप अहेड अब नए नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड कंप्यूटिंग के बहुत सारे मेथड्स आ रहे हैं, उसमें से लेटेस्ट मेथड्स में से एक है आपका क्वांटम कंप्यूटिंग जो क्वांटम फिजिक्स पर आधारित है। ठीक, अच्छा, इंडिया फिनलैंड, तो ये तो खैर मेन बातें हो गई, और जो प्रमुख बातें हुई इसको जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हुए हम इसके अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। अगर हम इंडिया फिनलैंड रिलेशंस की बात करें तो ऐसा है कि मैंने कहा हमेशा से हमारे रिलेशंस अच्छे रहे। हम जो फिनलैंड को प्रोवाइड करते हैं तो उसमें सबसे बड़ी बात है हमारा मार्केट। फिनलैंड के जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं वो इंडिया के मार्केट में बेचता है, जिसमें हम उनको कहीं ना कहीं कस्टम्स में और दूसरी बातों में रिलैक्सेशन देते हैं, प्रमोशन करते हैं। कुल मिलाकर के इंडिया में एक बहुत बड़ा मार्केट मिलता है फिनलैंड को, जिससे फिनलैंड को फ़ायदा होता है और हमें जो फ़ायदा होता है उनकी टेक्नोलॉजी, उनके रिसर्च, उनको इनोवेशन से होता है। तो हमें एक्चुअली फिनलैंड, क्योंकि यूरोपियन संघ में शामिल है, तो भारत फिनलैंड को यूरोपीय संघ के एक महत्वपूर्ण सदस्य और आधुनिक प्रौद्योगिकी के भंडार के रूप में देखता है। तो हम उनकी टेक्नोलॉजी और उनके इनोवेशन का यूज़ करते हैं, वो हमारे मार्केट का यूज़ करते हैं। ठीक है, वर्ष 2019 में दोनों देशों के बीच में 70 वर्ष के राजनयिक संबंधों को चिन्हित किया गया था। ठीक है, कि 70 ईयर्स में क्या क्या कैसे कैसे इंडिया और फिनलैंड के जो रिलेशन है वो डेवलप हुए, 2019 में इसकी पूरी व्याख्या की गई थी, जिसमें खासतौर पर मैंने आपको बताया रिसर्च, इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ही ये 3 फ्रंट पर ही हमारे बायलेटरल रिलेशंस बेस्ड रहे। ठीक है, तो ये हो गए फिनलैंड और इंडिया के जो बायलेटरल रिलेशन, उसके बैकग्राउंड की बात। अभी की जो मीटिंग थी वो क्वांटम कंप्यूटिंग से रिलेटेड थी, उसके अलावा भी एक दो बातें आती हैं। जो क्वांटम कंप्यूटिंग का यहाँ पे डेवलपमेंट है, उसके अलावा हम कुछ और चीज़ों पर फिनलैंड की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहते हैं और इंडिया में टेक्नोलॉजिकली उन चीज़ों को हम बढ़ावा देना चाहते हैं। फिनलैंड की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इंडिया में हम बढ़ावा देना चाहते हैं। किन किन चीज़ों में हम उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले सस्टेनेबल एनर्जी टेक्नोलॉजी। ठीक है, फिनलैंड की सस्टेनेबल एनर्जी टेक्नोलॉजी या सतत ऊर्जा प्रौद्योगिकी जो है वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल है, तो हम उसको इंडिया में और स्प्रेड करना चाहते हैं। दूसरा, बायो बैंक या बायो इकोनॉमी। ठीक है, जो भी नई तरह के बायो बैंक्स आए हैं, ये इकोनॉमी के वो सारे सोर्सेज जो बायोलॉजी से रिलेटेड हैं, बायो इकोनॉमी की नई जो टेक्नोलॉजी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, उसको जल और समुद्री प्रौद्योगिकी, मतलब आपका मैरीटाइम एंड वाटर टेक्नोलॉजी, खाद्य और कृषि प्रौद्योगिकी यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, वहनीय स्वास्थ्य सेवा यानी कि वेरेबल हेल्थ सर्विसेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पे हम जो फिनलैंड है उसकी टेक्नोलॉजी का यूज़ इंडिया में करके इंडिया को टेक्नोलॉजिकली एडवांस करना चाहते हैं। और इन्हीं बातों पर चर्चा हुई कि किस तरह से हमें करेंगे। तो क्वांटम कंप्यूटिंग वाज द क्रक्स ऑफ द मीटिंग, और फिर उनकी टेक्नोलॉजी का यूज़ हम इन चीज़ों को इंडिया में डेवलप करने के लिए कैसे करेंगे, उस पर हमने मेनली फोकस किया। ठीक है, क्लियर है चीज़? तो आई होप आपको समझ में आई होगी ये न्यूज़ इंडिया फिनलैंड रिलेशन के आपके बारे में, आपको एक बैकग्राउंड समझ में आया होगा और फिनलैंड का जो बेसिक GK है वो भी आप ध्यान में रखें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अगली न्यूज़ पर, जो कि एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, 2+2 डायलॉग बिटवीन इंडिया
एंड यूएस। तो जैसे कि आप इसमें पढ़ सकते हैं, पहले मैं स्लाइड को पढ़ देती हूँ। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में ये डायलॉग आयोजित किया गया। पहली बात तो वॉशिंगटन में ये आपका जो मीटिंग है वो हेल्ड की गई। भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच एक वर्चुअल मीटिंग के जरिए वॉशिंगटन से कंडक्ट करवाई गई, और एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और अमेरिकन राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच में। और जो मुख्य बातों पर ये 2+2 डायलॉग हुआ था वो अंतरिक्ष स्थिति जन जागरूकता व्यवस्था, मतलब स्पेस अवेयरनेस प्रोग्राम, दूसरा रक्षा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डायलॉग यानी कि डिफेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर इन लोगों ने कुछ बातें की, तीसरा सैन्य आपूर्ति श्रृंखला सहयोग यानी डिफेंस को जो भी ज़रूरतें हैं उसकी आपूर्ति कैसी की जाए उसके ऊपर चर्चा हुई, यूक्रेन संकट का अवलोकन। तो जाहिर सी बात है इंटरनेशनली भी जितनी मीटिंग्स हो रही है उसमें यूक्रेन पर चर्चा होती है, तो ये भी हुआ। दोनों देश के बीच ये जो मैं 2+2 डायलॉग की बात कर रही हूँ इसकी शुरुआत सन 2018 में जब डोनाल्ड ट्रंप वहाँ के प्रेसिडेंट थे तब से हुई थी। ठीक है, आपने अगर कभी मेरा पुराना इनसाइट एंड आउटलुक का प्रोग्राम देखा होगा यूट्यूब पर तो उसमें मैंने पूरा इंडो यूएस बायलेटरल रिलेशंस के बारे में डिटेल बताई थी, कब से शुरू हुआ, अलग अलग राष्ट्रपतियों के साथ हमारे कैसे रिलेशंस रहे, ठीक है, कब हमने न्यूक्लियर डील साइन की, कब हमने 2+2 डायलॉग स्टार्ट किया, कब रिलेशंस अच्छे थे कब रिलेशंस बुरे थे, वो पूरा मैंने डील किया हुआ है। ठीक है, अगर आपने देखा होगा तो आप रिलेट कर पाएंगे, वरना अगर हम डायरेक्ट यहाँ से देखें, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो, कि ये 2+2 नए तरह की मीटिंग है जिसमें ख़ासतौर पर इंडिया और यूएस के बीच में आपसी ट्रेड से लेकर सिक्योरिटी से लेकर टेक्नोलॉजी से लेकर हर तरह की या डिफेंस रिलेटेड हर तरह की बातचीत और अग्रीमेंट्स और एमयूज होते हैं। ठीक है, और इसकी शुरुआत सन 2018 में हुई थी डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में। ठीक, और इसके पहले 2016 में से लेकर के अभी तक की 3-4 इम्पॉर्टेंट ट्रीटीज़ हुई जिसमें से 2018 वाली ट्रीटी 2+2 डायलॉग के तहत हुई थी। सन 2016 में लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट जिसको हम लेमुआ कहते हैं वो साइन हुआ था इंडिया और यूएस के बीच में। उसके अलावा 2018 में जो पहली 2+2 डायलॉग हुआ था उसमें कॉमकासा साइन हुआ था जिसको हम संवाद के बाद संचार संगतता और सुरक्षा समझौता कहते हैं, और 2020 में बेका साइन हुआ था भू स्थानिक सहयोग के लिए बुनियादी विनिमय तथा सहयोग समझौते। तो जब इंडो यूएस रिलेशन आप पढ़ते हैं तो ये लेमुआ कॉमकासा और बेका ये तीनों का मेंशन करना ज़रूरी रहता है क्योंकि लगातार पिछले 3-4 साल से इंडिया और यूएस के रिलेशंस मजबूत हो रहे हैं, चाहे वो बराक ओबामा के साथ हो, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ हो, चाहे वो अभी जो बाइडेन के साथ हो। जो बाइडेन जब राष्ट्रपति बनकर आए थे तभी चीज़ें और हाईलाइटेड थी कि जो यूएस और इंडिया के बीच के रिलेशंस पिछले 3-4 साल में हर साल कोई ना कोई एग्रीमेंट की वजह से, कभी लेमुआ की वजह से, कभी कॉमकासा की वजह से, कभी बेका की वजह से जो मजबूत हुए हैं, उसमें अब अगला मोड़ कैसा आता है ये जो बाइडेन के इलेक्शन के बाद बातें काफ़ी हाईलाइट हुई थी। ठीक है, तो उसी में एक स्टेप अहेड हुआ, फिर से अभी 2+2 मीटिंग हुई जिसमें फिर कुछ और बातें हमने शामिल की। ठीक, जिसमें ख़ासतौर पर मैंने अभी यहाँ पे जो आपको बताया कि इन पर्टिकुलर क्षेत्रों में जिसमें डिफेंस हमेशा इम्पॉर्टेंट रहता है, स्पेस हमेशा इम्पॉर्टेंट रहता है, अभी इंटरनेशनली यूक्रेन का जो संकट है वो अभी इम्पॉर्टेंट बना हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पॉर्टेंट रहा है, इन दोनों तीनों चीज़ों पर चर्चा की गई। ठीक है, 2+2 डायलॉग की बात करें तो इंडिया में आप ये वाला पार्ट पढ़ सकते हैं, 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता दोनों देशों के बीच उच्चतम स्तरीय संस्थागत तंत्र यानी हाईएस्ट लेवल इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है। मतलब इसमें क्या होता है ना कि वहाँ का जो मंत्रिमंडल है उसका कोई मंत्री, यहाँ के जो मंत्रिमंडल है उनके मंत्री, उनके बीच में एक हाई लेवल ऑफ मीटिंग होती है। ठीक है, जिसे हम 2+2 डायलॉग बोलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हाईएस्ट लेवल इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म दोनों देशों के बीच में एक उच्चतम स्तरीय संस्थागत तंत्र है। मतलब ऐसा नहीं है कि सेक्रेटरीज बात करें, सीधा सीधा दोनों देशों के जो मंत्री हैं उनके बीच में आपस में जब बार बार इंटेंस लेवल पर बातचीत होती है तो उसको हम 2+2 डायलॉग्स बोलते हैं। ठीक है, ये संवाद का एक प्रारूप है जहां रक्षा विदेश मंत्री या सचिव दूसरे देश के अपने समकक्षों से मिलते हैं। ठीक है, ख़ासतौर पर डिफेंस, दूसरा आपका फॉरेन मिनिस्टर्स या उससे रिलेटेड जो सेक्रेटरीज हैं वो अपने काउंटर पार्ट से, उस देश के काउंटर पार्ट से मिलते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो 4 प्रमुख देश हैं जिनके साथ हमारे 2+2 रिलेशंस हैं, एक है अमेरिका, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा जापान और चौथा रूस। तो रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, अमेरिका का तो अभी आपने देखा ही, अमेरिका के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, जापान और रूस, ये तीनों के साथ यानी कुल मिलाकर इन चारों के साथ ही हमारे 2+2 डायलॉग्स होते आए हैं जिसमें अमेरिका के साथ हाल ही में सन 2018 से ये शुरू हुआ है।
ठीक है। तो 2+2 डायलॉग याद रखिएगा, ये हाई लेवल मिनिस्ट्रियल मीटिंग होती है जिसमें खासतौर पे फॉरेन और डिफेंस के जो मिनिस्टर्स होते हैं दोनों देशों के, वो मीटिंग करते हैं। इनमें खासतौर पर जो फोकस होता है वो डिफेंस सिक्योरिटी होता है, वो टेररिज्म होता है, वो डिफेंस टेक्नोलॉजी होता है, ठीक है। तो हर तरह के खासतौर पर रक्षा समझौते से रिलेटेड ये 2+2 डायलॉग्स में चर्चाएं होती हैं, ठीक है। वही अभी हुई जिसमें अभी आपको जैसे मैंने बताया इन 3-4 मुद्दों पर चर्चाएं हुई थी, ठीक। अच्छा, इसके पहले जो मैं आपको बता रही थी 2016 से लेकर के, इनमें ये जो 2-3 वर्ड आते हैं लेमुआ, कोमकासा, बेका, इनका फुल फॉर्म हिंदी में लिखा हुआ, इंग्लिश में क्या होता है ये भी जान ले। हालांकि ये कोमकासा बेका की जो हाइलाइट्स हैं वो अभी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब ये साइन हुए थे, जब ये अस्तित्व में आए थे, तब कुछ दिनों के लिए इम्पॉर्टेंट थे। अभी आपको किसी भी स्तर पर, चाहे आपका प्रॉब्लम्स हो चाहे मेंस हो, किसी भी स्तर पर इनका डेफिनेशन या इनके की पॉइंट्स लिखने की ज़रूरत नहीं। बस ये क्या है आप लिख दें। 2016, 2018, 2020 में ये 3 साइन हुए थे जो इंडिया और यूएस के बीच के इंपॉर्टेंट डिफेंस डील्स माने जाते हैं, ठीक है। तो क्या है इसको देख लेते हैं। तो इसमें आपको जो मैंने पहले लेमुआ बताया, जिसका आप हिंदी में देख पा रहे होंगे, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, यही है, इट इज़ लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, ठीक है। लेमुआ तो जो डिफेंस लॉजिस्टिक्स है उसके एक्सचेंज से रिलेटेड संधि थी 2016 में, सिज्मोआ नाम की एक संधि थी, उसकी जगह पर फिर इसको एक्सटेंड करके लेमुआ लाया गया। उसके बाद ये जो कोमकासा संवाद के बाद संचार संग्रहता और सुरक्षा समझौता बोल रहे हैं इसको अगर हम देखेंगे तो ये एक्चुअली इंग्लिश में आता है कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी। ये हो गया कम्युनिकेशन, ये हो गया सिक्योरिटी कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, ठीक है। तो कोमकासा स्टैंड्स फॉर कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। बेका, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, भूस्थानिक सहयोग के लिए बुनियादी विनियम तथा सहयोग समझौते, मतलब बुनियादी विनियोग मतलब होता है बेसिक एक्सचेंज, ठीक है। तो ये जो बेका आप देख रहे हैं ये बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन अग्रीमेंट, बी स्टैंड फॉर बेसिक, ई फॉर एक्सचेंज, सी फॉर कोऑपरेशन, ए फॉर एग्रीमेंट, ये बेका साइन हुआ थे। ये दोनों खासतौर पर डिफेंस फ्रंट से रिलेटेड 3 इंटरनेशनल ट्रेड एंड डिफेंस डील थी जो 2016, 2018, 2020 में हुई थी, ठीक है। तो ये इंडो और यूएस रिलेशंस को हाल फिलहाल के कुछ सालों में मजबूती प्रोवाइड करते हैं और उसी में एक स्टेप अहेड है जो अभी ये 2+2 डायलॉग हुआ था। तो आप पहले तो 2+2 डायलॉग हमारा इंडिया के, हमारा अमेरिका के अलावा और कौन से देशों के साथ है वो याद रखें। अमेरिका के साथ 2018 में शुरू हुआ, ये बात को याद रखें। अभी जो 2+2 डायलॉग है वो वर्चुअली हुआ, वॉशिंगटन डीसी से आयोजित करवाया गया, ये याद रखें, और इसकी जो हाईलाइट्स रही वो याद रखें, ठीक है। तो दैट इज़ इट, इतनी न्यूज़ में आपको ये बातें कवर करनी है। और लास्ट न्यूज़ जो है वो है आपकी एक अपॉइंटमेंट की, सिंपल है। ईस्ट तिमोर, जिसे हम यहाँ पे आप देख सकते हैं तिमोर लिस्ते भी कहते हैं, ठीक है, जो कि इंडोनेशिया यानी कि आपका ये जो पूरा इंडियन ओशन के जो द्वीप हैं उनमें से एक द्वीप है ईस्ट तिमोर, वहाँ पे एक नए राष्ट्रपति की नियुक्ति हुई जिनका नाम है रेमोस होता। तो क्योंकि ये एशियन कंट्री है तो यहाँ पर भी अगर कोई ना कोई नया इंसान नियुक्त होता है प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के पद पर तो आपको उस पर नज़र बनाए रखनी है। और यहाँ से ईस्ट तिमोर जो देश है वो हाईलाइट में आता है, तो ईस्ट तिमोर के बारे में आप कुछ बातें स्टैटिकली जानें। डायनेमिक पार्ट तो ये है कि रेमोस होर्ता नाम के एक व्यक्ति वहाँ के नए राष्ट्रपति बने। दूसरी बात यह है कि ईस्ट तिमोर जो है इंडोनेशिया में एक एशिया का देश है, एक छोटा सा द्वीप है, ठीक है। उसके अलावा इससे रिलेटेड कुछ और बातें भी आप जान लें। ईस्ट तिमोर को जैसे कि मैंने आपको बोला तिमोर लेस्ते भी कहा जाता है, ये तिमोर द्वीप के पूर्वी समूह में स्थित है जबकि द्वीप का पश्चिमी आधा हिस्सा इंडोनेशिया का है। मतलब जो पूरा ग्रुप ऑफ आइलैंड है जिसको हम तिमोर बोलते हैं, ठीक है, इसका जो ईस्टर्न वाला जो पार्ट है वो, और जो इंडोनेशिया है,
इंडोनेशिया का जो वेस्टर्न वाला पार्ट है यहाँ पर आपका ईस्ट टिमोर जो है वो लोकेटेड है। तो तिमोर आइलैंड के ग्रुप का ईस्टर्न पार्ट और इंडोनेशिया के वेस्टर्न पार्ट में आपका ईस्ट टिमोर लोकेटेड है। 18वीं शताब्दी में पुर्तगाल द्वारा इस क्षेत्र को उपनिवेश बनाया गया था और जब 1975 में पुर्तगालियों ने इस क्षेत्र को छोड़ा तो इंडोनेशिया ने पूर्वी तिमोर पर आक्रमण किया और 2002 तक के अपने 27वें प्रांत के रूप में कब्जा बनाए रखा। मतलब पहले ये इंडोनेशिया का ही पार्ट था लेकिन 2002 के बाद से ये एक स्वतंत्र देश बना था। आधिकारिक तौर पर 2002 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसे मान्यता दी गई, ये इम्पोर्टेंट है। तो आप जानते हैं कि इंडिपेंडेंट कंट्री को उन्हीं को रिकग्निशन मिलता है जो यूनाइटेड नेशन के वो 193 जो देश है उसमें रजिस्टर्ड होते हैं। तो 2002 में जब ये इंडोनेशिया से अलग हुआ, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि इंडोनेशिया ने इसे अपने एक प्रांत के रूप में अपने अंडर ही रखा था, तो 2002 में जब ये अलग हुआ तो यूनाइटेड नेशन ने इसे मान्यता दी, तब से ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट कहलाता है। ठीक है, तो ये तिमोर की हिस्ट्री है। इस पर पहले पुर्तगालियों ने कब्जा किया और उसके बाद 2002 तक के इंडोनेशिया ने कब्जा किया और उसके बाद से एक इंडिपेंडेंट देश है, यूनाइटेड नेशन में रिकग्नाइज सॉवरेन कंट्री है। और यहाँ पर हाल फिलहाल में एक राष्ट्रपति नियुक्त हुए जिनका नाम है रेमोस होटा, जो इनकम्बेंट राष्ट्रपति थे उनकी हार हुई, उनका नाम है फ्रांसिस्को ग्यूटेरेस। ठीक है, ये फिलहाल वहाँ के इनकम्बेंट प्रेसिडेंट हैं। ये अपना पदभार जो है मई 2022 तक के संभालेंगे। 20 मई 2022 को इनका जो शासनकाल है वो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद से फिर रेमोस होटा जो है वो वहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, इस तिमोर की एक ख़ास बात जो मुझे अभी ध्यान में आई वो ये है कि इसका भी जो कैपिटल है ना उसका नाम है दिल्ली। ठीक है, हालांकि इट इज़ नॉट लाइक DELHI दिल्ली, बट उसका प्रोनंसिएशन दिल्ली ही होता है। ठीक है, कहीं पर ये DILI लिखा रहता है, कहीं पर ये DILLI होता है, तो इसलिए याद करने में आसान होता है। जब आप एशियाई देशों को याद करते हैं ज्योग्राफी या पॉलिटी के पर्पस से तो ईस्ट तिमोर अलग से दिमाग में रहता है क्योंकि इसका जो कैपिटल वो क्या है, दिल्ली। तो नाम जो है हिंदी में इंडिया के कैपिटल से के जैसा साउंड करता है, दिल्ली। ठीक है, तो याद रखिएगा दिल्ली वहाँ का कैपिटल है। 2002 में यूनाइटेड नेशन ने इसे एक अलग देश के रूप में मान्यता दी, उससे पहले इंडोनेशिया का हिस्सा माना जाता था और पहले पुर्तगालियों का एक कॉलोनी थी ये, और यहाँ पर इनके टर्म की समाप्ति के बाद ये जो नए व्यक्ति है रेमोस होटा वो वहाँ के नए राष्ट्रपति बनेंगे। ठीक है, तो ये कुछ बात है ईस्ट टिमोर के बारे में। कोई भी देश अगर इंडिया के साथ कोई चर्चा की वजह से हाईलाइटेड रहता है या वहाँ पे कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की नियुक्ति होती है तो उन देशों के बारे में जो भी दूसरे आस्पेक्ट्स होते हैं, जो पहलू होते हैं, वहाँ से सवाल किसी भी सब्जेक्ट में आपके प्रॉब्लम्स या मेंस में पूछ सकता है, तो उसके लिए हमेशा उनको स्टैटिक के रूप में तैयार करके रखें अलॉन्ग विद द डायनेमिक पार्ट। ठीक है, यही तरीका होता है करंट अफेयर्स को डील करने का, अब खास तौर पे नए पैटर्न के हिसाब से। ठीक है, सो दैट इज़ इट, वी नीड टू नो अबाउट द न्यूज़ टुडे। इतनी ही चीज़ें थी, बहुत ज़्यादा आपके हाईलाइटेड डायनेमिक टॉपिक्स थे नहीं, बस कुछ चीज़ें थी नेशनल इंटरनेशनल जो आपको पढ़नी थी। और आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।